top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. प्रभारी मंत्री बनते थे, उनका एक काम होता था कि साल में एक बार जिला योजना में अपना चेहरा दिखा दे, अधिकारियों के साथ बैठ के अपना तय कर ले क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है और उसके बाद वापस चले जाना है। बाकी सिस्टम को इतना अच्छा तय कर लेते थे ताकि मुख्यमंत्री तक कोई अड़चन न पड़े हमारे पैसे के दोहन। चुनाव समय समय पर करने के बाद अपना खुद के पद तय करना और पद तय करके अपने पूरी व्यवस्था करना आसान नहीं है। अपने भारत देश में एक ऐसे पार्टी को चलाना जिसमें पूरे देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न विचार के लोग हैं, हमारे ही पूर्व और पश्चिम में बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर आपकी एक तय किया कि भारत में एक परिवर्तन करना है और सही कहा आपके डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कि व्यवस्था परिवर्तन करने हम आए जब मोदी जी यहाँ पर 2014 में जीते थे। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो चाहे वो माननीय सांसद या माननीय विधायक हो। हम सब की जिम्मेदारी इस पार्टी के साथ खड़े होके कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होके उनकी समस्या को सुनना, उनके दुख को सुनना और हर स्तर पर उनको मदद करना ये हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज भी है। और इसीलिए हम लोग जब प्रभारी मंत्री इस सरकार में बनाए गए हैं तो मात्र खाली एक साल के लिए हमारी भी क्लास ली जाती है और हमको भी पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है हर महीने। हम लोग कोशिश करके आएंगे यहाँ पर और ये हम लोग तो सौभाग्य है कि काम करते हैं जितने घंटे वो काम करते हैं और जितना देश के लिए पूरी तरह समर्पित है शायद हम लोग ने कभी इस तरह का देखा नहीं। मगर आप हमको लगता है कि हम लोग विधानसभा में बैठ के बात कर रहे थे कल तो लगता है कि सर उनसे बढ़ के हमारे योगी जी आ गए। 18 घंटा काम करना, 20 घंटा काम करना और उतना ही घंटा हम लोग से भी काम लेना जिनकी आदत नहीं थी काम करने के लिए। हम भले विधायक हैं, हम क्षेत्र में रहते हैं पूरे समय रहते हैं वो अलग बात है, सरकार के अंदर काम करना, व्यवस्थित काम करना, ईमानदारी से काम करना था, प्रशासनिक अधिकारी को अपने नीचे सिखाना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और क्योंकि हम लोग गोरखपुर के करीब हैं तो योगी जी को अच्छी तरह से जानते थे मगर उनके अंदर जो प्रशासनिक क्षमता जो अब झलक के निकल रहा है, उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अंदर जो तमाम नए प्रकार के उनके अंदर जो निकल रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन को चलाना चाहिए, शासन चलाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात हम लोग के सामने दिखता है। हर शनिवार हम लोग भी जाते थे वहां पर, मंगल के दिन जाते थे, शनिवार के जाते थे, मंदिर में जाते थे, वहां पर कभी उनसे मुलाकात हो जाती थी कभी नहीं हो सकती थी। मगर इनका चेहरा जो आज हम लोग के सामने दिखा वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। लगता है कि वहां मोदी जी उधर बैठे तो योगी जी तो यहाँ बिल्कुल उनके कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। और जिस दिन शपथ हम लोग ने लिया 19 तारीख को, उसी दिन शाम को हम लोग की कैबिनेट की बैठक हुई, एक अनौपचारिक बैठक हुई। पहला शब्द योगी जी ने कहा कि इतना बड़ा जनादेश जो हम लोग को मिला है इसका सम्मान हम सबको करना चाहिए और इतना बड़ा जनादेश हमको मिला है ये सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, हमको काम करना है, हमको 2019 देखना, हमको 2024 देखना, हमको अगले 15 साल देखना है, ये स्पष्ट हम लोग को बताया गया। ये नहीं कि हम 5 साल तक के काम करके उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। भविष्य उत्तर प्रदेश और भविष्य देश का भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगा तभी इसका भविष्य निर्माण होगा, ये हम सब जानते हैं आज के दिन और सारी जनता भी जानती है कि आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम जब आपका मत का इस्तेमाल करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे करके सभी राज्यों में ये संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ रहेगी तो विकास वहां पर संभव है। प्रशासन और हमारे मूल संगठन कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य पैदा करना, उनके सम्मान के लिए जो भी कार्यक्रम हो रही है जो सही काम वो दे अपना अधिकारियों को उसका पूरा पालन है, कोई गलत काम करने तो हम लोग आए नहीं हैं।
इसलिए उस तरह के काम प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुने और उनका काम करें। एक तो वो एक सामंजस्य बनाने का, दूसरा जो योजनाएं हमारे चल रहे हैं प्रदेश सरकार की, जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको सही तरह से, उनका पिछले साल का भी, अभी तो हमारा बजटिंग शुरू हो रहा है, अभी बजट उन लोगों का इस साल का आया नहीं है, पिछला लेखा अनुदान का जो पैसा है वही चल रहा है, इसलिए अभी जो नया बजट है वो अभी शुरू नहीं हुआ। तो पुराने बजट का कितना खर्चा किस मद में कौन कौन से डिपार्टमेंट में हुआ, क्या क्या उसमें कमियां हैं, या मीटिंग करने जा रहे हैं DM और SP के साथ, CEO के साथ बात करके उनसे पूछना उनकी क्या समस्या है, अथॉरिटी के अंदर कितने मीटिंग दिया, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो सारे। मूल रूप से अभी पहले राउंड में तो हम लोग इसी तरह की चीज़ें को समझेंगे, जानेंगे, कार्यकर्ता भी अपना समय समय से बताएंगे कुछ समस्या होगा तो। अभी तक कोई समस्या ऐसी उठाई है कार्यकर्ताओं ने? नहीं, अभी तो कोई इस तरह समस्या कोई समस्या नहीं उठाई है। यहाँ के जिले में क्या समस्या है? ये आज का नहीं, बहुत दिन से है, इसलिए ये है क्योंकि इसमें हरियाणा ने अपने शराब का दाम काफ़ी गिरा दिया है, जिसके वजह से हमारा शराब का दाम जो एक्साइज के बाद जो लगता है वो काफ़ी ऊँचा है, इसलिए बड़ा आसान पड़ता है। यहाँ यमुना नदी आपका बिल्कुल लगभग सूख है, ये आराम से लोग चले आते हैं वहाँ से, पूरा तस्करी चलता है। अब उस पर हमारे प्रवर्तनकार के लोग ने काफ़ी मैंने प्रयास भी किया है और शराब की अवैध शराब की मात्रा भी बहुत पकड़ा गया है, काफ़ी अच्छी संख्या में हर साल पकड़ा भी जाता है और भी पकड़ा गया है। अब उसका हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, जो हमारा वर्तमान शराब नीति है, आबकारी नीति जो है उसके अंदर कुछ कानूनी बाधाएँ हैं इस समय को परिवर्तन करने में, एक बात तो वो है। दूसरी बात जो हमारा क्या डिफरेंस हो जाएगा, मतलब नहीं क्या आबकारी नीति आज के दिन में मेरा मानना है और सरकार को मानना है कि हमारे रेवेन्यू के जनरेशन के लिए उतना पर्याप्त नहीं है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो समय आने पर हम लोग करेंगे वो अलग चीज़ है। और दूसरी हमारे जो डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो प्रशासनिक और जो जिले के अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनमें थोड़ा सा हमको उत्साह वर्धन करना है ताकि वो अपना कार्य ठीक से करें, कुछ अभी समय आने पर उसका भी थोड़ा फेर बदल होता है जैसे, उसके बाद थोड़ा उनको जब हम लोग उत्साह वर्धन करेंगे तो कार्य अपना अच्छी करेंगे, तो जो तस्करी हमारा है जगह जगह उसको और प्रभावी ढंग से रोकना। अच्छा, नोएडा में सबसे आज के भी हालांकि पहले भी आदेश दिए हुए हैं, लेकिन उसके उसका क्योंकि प्रभारी हैं तो किस तरह से आप या किस तरह से कार्रवाई इस पर हो, क्या करवाना चाहते हैं? तो अभी हम लोगों ने खाली हल्का फुल्का सुना है, मगर उसका डिटेल, ये बात तो जो आप कह रहे सही है, मैं CEO से पूरा डिटेल मांगूंगा इसका, और कितने क्या क्या कंप्लेंट्स आए हैं आम जनता से, जो लोग ने ये हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट कर लिए हैं, जैसे कि उनकी दिक्कतें हो रही हैं या बिल्डिंग बने नहीं है, समय से नहीं बन रहा है, फ्लैट नहीं मिल रहा है, ये सब पूरा समझेंगे। नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरा समझेंगे। तो 3 से 4 समस्याएं बड़ी हैं, मतलब जैसे एक तो हाँ। जो यहाँ पर शिक्षा संस्थाएं संस्थाएं उनके फीस आपके मुताबिक बड़ी हुई है, और ये नोएडा गाजियाबाद और ये इन इलाकों में कुछ ज़्यादा ही चलता है, तो यहाँ के अभिभावकों की समस्या सबसे बड़ी है, तो उसके लिए लगातार जन आंदोलन चल रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ करेंगे आप लोग? इस पर तो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं लगातार हम लोग निकालते ही रहते, चिंता है जी। और हमारे शिक्षा मंत्री जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री अजय शर्मा जी ने इसमें काफ़ी चिंता भी किया है, लोगों से बात भी किया है, और इस पर एक लिमिट लगाने के लिए, एक अंकुश लगाने के लिए, एक सीलिंग लगाने के लिए, सब कुछ को ध्यान में देते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनका खर्चा को ध्यान में देते हुए एक सीलिंग लगाने की बात हुई है, उसके लिए हमको फिर एक नया पॉलिसी तय करेंगे, पॉलिसी क्या है उसको एक नीति बनाएंगे, ताकि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जितने हैं शिक्षक संस्थाएं उन पर उनके फीस पर एक नहीं, शासन द्वारा एक समिति बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह आ रही, समिति तो बना दी गई है कि नया विधान तय हो, लेकिन उस समिति में DPS ऐसे लोग इन पर उंगली उठ रही, इस पर मतलब क्या कहना चाहते हैं? जैसे तो देखिए, आपके द्वारा जानकारी मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे वो डिपार्टमेंट अलग है, तो कौन उस समिति में है ये तो आप बता रहे हैं, बात की अगर चिंता है लोगों को, लगातार आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पर, अगर इस बात की चिंता है कि उसी में से एक व्यक्ति प्रबंधन के उसी में है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उसमें कोई रास्ता निकाल के वो करेंगे ताकि एक सामान सबके बराबरी का हो, जैसे हो सकता है उसमें से एक अवसर वो भी हो कि वो ही तो बताएंगे, कोई ना कोई तो उस
ग्रुप का भी होना चाहिए जो बताएगा हमारा लगभग इतना खर्चा आता है, इतना हमारा एक्सपेंसेस आते हैं, तो हमारा इतना फीस होना चाहिए। और बाकी ऐसे भी सदस्य होंगे जो इसको कंट्रोल करने के लिए बताएंगे। अच्छा। एक प्रकार के सदस्य होंगे, एक सदस्य थोड़ा प्रभावित करेगा उसको। अच्छा, मंत्री जी भी अभी यहाँ पर है।